तो गाइज यहाँ पे हो गया है पिकअप का खतरनाक वाला एक्सीडेंट। सुनने में आया ये ड्रिंक एंड ड्राइव था, रात को हुआ है, बंदे की जान बच गई है, बट यार अवॉइड किया करो दारू पी के गाड़ी चलाना। तो यहाँ से चलने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ कुछ। हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज सुबह के अभी जो टाइम हो रहा है 9:51 हो रहे हैं, और आपका भाई एक बार फिर से गांव जा रहा है, कुछ काम है, ठीक है, कल शाम तक आ जाऊंगा। तो अभी जस्ट निकला हूँ घर से, तो एक दो भाई और भी हैं, उनको भी लेके जाना है, मैं चल पड़ो साथ में यार, कल ले क्यों जाना है भाई, तेल का खर्चा ही निकलेगा। तो बस ऐसे ही है, तो अब निकल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं, पहले जाता हूँ भाई को उठाता हूँ, फिर मिलते हैं, अगर भाई रास्ते में मौका मिला वीडियो बनाने का तो बनाऊँगा, नहीं तो जाके सीधा घर पे ही मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर कहीं पर मुझे दिखाने के लिए लगा कि जैसे रास्ते में अभी स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी और तबाही बहुत ज़्यादा हुई थी, अगर मुझे लगा कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है, तो एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज मिलेंगे फिर घर पे ही जाके, ठीक है। तो भाई चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो गाइज अब हम आ चुके हैं बिलासपुर में है चांदपुर, तो चांदपुर पुल पे खड़े हैं इस टाइम में। एक बार मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, ये खड़ी है मेरी गाड़ी और ये भाई साहब हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं, और ये है चांदपुर पुल। तो यहाँ पे कुछ छोटा मोटा हमने खाना था तो खा लिया भाई, पेट में भूख लगी हुई थी जोरों की। तो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है अभी 2:15 हैं, 11 बजे के आसपास निकला था मैं चंडीगढ़ से, तो अब जल्दी से निकलते हैं और जल्दी घर पहुंचते हैं। तो यहाँ से चलने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ, कुछ दिन पहले आया था मैं, तो यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं था। उसका रीज़न ये है क्योंकि ऊपर से जो डैम से पानी छोड़ते हैं, तो ये वाला उसके लिए है फिर पानी छोड़ने के लिए, तो तब इकट्ठा होता है यहाँ पे पानी। तो कुछ दिन पहले ये बिल्कुल सूखा हुआ था, बिल्कुल भी पानी नहीं था, और आज दिखाता हूँ मैं आपको कि कितना पानी भरा पड़ा है यहाँ पे। ये है तो आप इस साइड, अब थोड़ा सा मैं पुल के उस साइड जाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ इस तरह से है, ज़मीन नहीं है लोगों की यहाँ पे ना, ये ज़मीन पूरी पानी में वो हो जाती है, जब पानी आता है तो यहाँ यहाँ तक आ जाता है, ऊपर तक यहाँ यहाँ तक आ जाता है, पूरा भर जाता है ये पानी से ऊपर से जब छोड़ते हैं। तो ये इस तरह से है कुछ चांदपुर पुल। देखो सामने से गाड़ी आ रही है, देखो गाड़ी में भरनी है हवा, बट यहाँ पर हवा भरने वाला है नहीं भाई, तो खुद ही भरनी पड़ रही है। तो गाइस हवा भरने के बाद मैं यहाँ से निकला, तो आप बस सामने का नज़ारा इंजॉय करो यार, अल्टीमेट व्यू है, अल्टीमेट मौसम है, तो एक बार आप तो गाइज ये पिकअप गिरी हुई है, ये रात को गिरी थी, शायद इसको नेपाली कोई चला रहा था गाड़ी,
ठीक है। तो ये है लोकेशन नवाई माता के पास, जो पुल है उसके पास से गाड़ी गिर दी थी, इसने दारू पी रखी थी, सुनने में ये आया है, आगे भगवान जाने, सुनी सुनाई बात बोल रहा हूँ मैं। तो आप देखो यार, उसकी बाजू टूट गई है बंदे की और सिर पे लगी थी, वैसे तो ठीक है बंदा, बट चलो, तो इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव को अवॉइड किया करो भाई। तो गाइज, अभी मैं घर से 15 से 20 किलोमीटर दूर हूँ, और अभी मैं जो मेरे साथ में थे बंदे उनको छोड़ने गया था उनके घर पे, तो उनके घर का रोड इतना खतरनाक था मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब बिल्कुल सिंगल रोड और जिसका हिसाब नहीं। आप फिर से रोड देख लो, रोड की हालत क्या है, बिल्कुल ही निहायती जिसको बोलते हैं, सिंगल रोड है, और मजा आता है ऐसे रोड पे गाड़ी चलाने का। बट यार इन रोडों पे ना, सीरियसली बोलो, जिनको तमीज हो गाड़ी चलाने की उन्हीं को इस रोड पे गाड़ी चलानी चाहिए, सीरियसली बोलो। ये रोड ऐसे हैं कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, कोई ओवर एक्टिंग कर दी, कुछ लोग होते हैं ना कि रोड से हटते नहीं है, और ख़ास कर भाई जो लोकल बंदे होते हैं। मेरा चंडीगढ़ नंबर था भाई, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है आज कि जो बस वाला आ रहा था ना, उसने भाई 15 मीटर बस पीछे नहीं की। मैं सीरियसली बोलूँ, वीडियो नहीं बना पाया ना उस बंदे की, अगर कैमरा ऑन होता ना, क्योंकि वो बिल्कुल ही सिंगल था यार वहाँ पे, और मुझे जल्दी आना था, मेरा भाई एक वेट कर रहा है ऊपर, तो यार मुझे ना टाइम नहीं था, मैं सीरियसली बोलूँ, नहीं तो मैंने उसको रिकॉर्ड करना था। वो इतना घटिया बंदा था, नंबर बार का देखा उसने तो बस ही नहीं पीछे की। जब मैंने उससे अपनी लोकल लैंग्वेज में बात की तो वो चुप हो गया फिर। तो गाइज, ये दृश्य है धर्मपुर का। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसमें इस बस स्टैंड का हाल देखना यार, और आज की डेट में। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर के 7-8 किलोमीटर के अंदर, पुल है जिसका क्या बोला है, इस पुल आ जाओ, कांडा पता नहीं, चौसा पुल, इस पुल को बोलते हैं चौसा का पुल। तो एक बार मैं अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि नदी कितनी ऊपर तक गई थी, पानी जो है, नदी का पानी जो है कितनी ऊपर तक गया था। तो आप ऊपर वाला पॉइंट देख ही सकते हो, लास्ट टॉप वहाँ तक पानी गया था, और यहाँ पे पहले होता था शमशान घाट, जो कि बह चुका है, टूट चुका है, और ये यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, पहले तो था नहीं, अभी लगा है नया, है ना, ये अभी लगा है भाई, ये देखो ना, ये इसमें लगा हुआ है कोई सिस्टम ना, क्या लगा है भगवान जाने। तो ये भाई साहब मेरे पीछे भी चाह रहे थे, फोन नहीं किया, नहीं तो मेरे साथ आ जाते हैं। तो गाइस, मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है, और बहुत ही काले काले बादल छा रहे हैं आसमान में। अब कितनी जल्दी और कितनी देर में बारिश शुरू हो जाएगी ये भगवान जानता है, पर मुझे लग रहा है आज बारिश होने के 100% के आसार हैं। तो चलो देखते हैं बारिश होती है या नहीं होती है। इस रास्ते में आप देख सकते हो बारिश, कितनी ज़्यादा बारिश हुई होगी कि इतने बड़े बड़े पत्थर जो है, इतना पहाड़ जो है नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हुई होगी यार, तो मतलब मैं शब्दों में इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता यार, कि मतलब ना डर लग रहा है देख के, पूरे नाले बन गए हैं। तो जो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी कि फ्लड आया हुआ है, तो ये उस टाइम का है, ये सारे जो कारनामे हो रखे हैं, ये जितना भी हो रखा है ये उस टाइम हो रखा है। और यहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई, बादल फटे, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एक भी पत्थर नहीं था यहाँ पे, एक भी पत्थर नहीं था, और देख लो कितना नाला बना हुआ है, एक भी नहीं था, और इतनी बड़ी खाई तो थी नहीं यहाँ पे। तो बहुत ही भयंकर, तो गाइज मैं सीरियसली बोलूं, बहुत ही खतरनाक वाला सीन हो रखा है। भगवान है यार, तो गाइज ये जो मैंने
दिखाई है वीडियो आपको, पुल के साथ में जो ये पूरा हिस्सा चला गया है, तो सोचो यार कितना पानी आया होगा। और जो सामने घर थे उन घर तक पानी चला गया था, तो आप समझ सकते हो इतना ज़्यादा पानी आया था। दूसरी बात यार, 22 तारीख को ये फ्लड आया था, ठीक है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये इशू सीरियसली इशू है। 22 तारीख को फ्लड आया था और आज तक ये काम नहीं कर पाए, आज तक ये काम नहीं हुआ। आज है 31st, मतलब 31 तारीख है आज, 31 अगस्त की, आज 10 दिनों में। कमाल है यार। और ये मेन रोड है भाई, मेन रोड। और ये विभाग और जो हमारे चुने हुए जो MLAs हैं और ये सारी चीज़ें भाई, इनको देखना चाहिए ये चीज़ें ना, कि कहाँ पे असुविधा हो रही है जनता को। यार तुम अगर ये चीज़ नहीं करवा सकते तो फिर किस चीज़ के लिए हो तुम लोग, ठीक है। तो गाइज मुझे घर पे पहुंचे हुए आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, और आप मौसम देख सकते हो यार, मतलब तूफानी मौसम हो रखा है। ऑस्कर होल्ड करो, एक मिनट रुको, खोल देता हूँ आपको मैं, रुको एक मिनट। तो मौसम तूफानी हो रखा है, और ये देखो ऑस्कर, मतलब खुश हो गया मुझे देख के यार, मज़ा आ गया। ये यार देखो, मतलब सामने का नज़ारा देखो कितना प्यारा, अल्टीमेट नज़ारा है यार, मौसम कितना प्यारा है, मतलब दिल खुश हो जाता है। हरियाली चारों तरफ, शांत मौसम है ना। तो मैं पैदल आया हूँ घर से, थोड़ा सा साइड की तरफ जो रोड है हमारे, मेन रोड जो है। पर एक यहाँ से ना एक पहाड़ी दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ पे माता का मंदिर बनाया हुआ है, आशापुरी माता का मंदिर बनाया हुआ है। किस दिन मैं आपको उस मंदिर पे लेके चलूँगा, बट एक बार आज दिखाता हूँ कि वहाँ पे है वो मंदिर पहाड़ी में। गाइज ये जो बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बिल्कुल टॉप में है वो आशापुरी माता का मंदिर। अभी अनकम्प्लीट है, मतलब 90% बन चुका है, 10% काम बाकी है, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि यार बहुत ऊपर है और फंड की भी दिक्कत है। तो जब ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी तो मंदिर भी बन जाएगा धीरे धीरे करके, धीरे धीरे काम चल रहा है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो मंदिर है, आशापुरी माता का मंदिर है, यहाँ पहले एक मूर्ति सी रखी हुई थी, माता के चरण थे, तो गांव वालों ने सोचा कि चलो मंदिर बना देते हैं, तो यहाँ पे वो वाला सीन है। तो किस दिन मैं आपको स्पेशल लेके चलूँगा कि कितनी देर लगती है ऊपर जाने में और कैसा रास्ता है, ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो गाइज अभी टाइम 8:21 हुए हैं, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो। तो गाइज अभी मैं खाना वगैरह खा के नीचे आ गया हूँ, अपने कमरे में हूँ, और देखो ओसी किधर है, ये ओसी है मेरा नीचे, ये मेरे पास सो गया आके, है ना, मेरे पास बेड के पास, ठीक है। वैसे ये ऊपर नहीं आता, मैं ऊपर इसको लाने की कोशिश करता हूँ, आ जा बेड पे आ जा, ये 2 मिनट आता है फिर भाग जाता है, इसको नीचे सोना अच्छा लगता है, ठीक है। और सोता भी जहाँ पे मैं सोता हूँ उसी साइड सोता है ये। तो गाइज आज मैं आराम से घर पहुंच गया था, और घर पे आके मैंने दिखाई दिया आपको थोड़ा बहुत जो भी था, ठीक है। अब रेस्ट करते हैं, थक गया हूँ मैं, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। गाइज मिलते हैं एक और ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।